रामनवमी में कोई विवाद नहीं है। विवाद ये लोग कराता है, अभी हमारे साथी जो चले गए मनीष जायसवाल, कोई ऐसा रामनवमी नहीं है जब इन लोगों ने दंगा नहीं करवाया। घड़ियाली आंसू पहुंचना अच्छी बात नहीं है। हम लोग रामनवमी मनाएंगे, हमारे मुख्यमंत्री जी मनाएंगे, हम लोग मनाएंगे, मैं भी कहूँगा आइए। जरूरी थोड़ी है कि हम डीजे में ही रामनवमी बनाएं। जो जनता के साथ वादा करके हम लोग आए हैं उसको हम लोग पूरा करेंगे। दुला दुला के मारा गया, भूख से छोड़ दिया गया, अन्य राज्यों में भूखे प्यासे लोग आ रहे हैं, कारवां चलता रहा, कोई देखने वाला नहीं। और आज बात करते हैं स्थानीय नीति की, ये लोग और बेवजह घड़ियाली आंसू पहुंचना अच्छी बात नहीं है। और हमारे मुख्यमंत्री जी काफ़ी गंभीर हैं, थोड़ा आप लोग समय दीजिए। हमें यकीन है कि हम लोग जो जनता के साथ वादा करके हम लोग आए हैं उसको हम लोग पूरा करेंगे। 2 साल आप लोग जानते हैं कोविड में चला गया, और किस तरह से किया गया हमारे झारखंडियों के साथ ये भी छुपा हुआ नहीं है। दुला दुला के मारा गया, भूख से छोड़ दिया गया, अन्य राज्यों में भूखे प्यासे लोग आ रहे हैं, कारवां चलता रहा, कोई देखने वाला नहीं। और आज बात करते हैं स्थानीय नीति के, ये लोग निश्चित तौर पर मैं कहूँगा कि भाजपा के विधायकों के प्रति जरा भी, अगर मैं कहूँगा कि झारखंड के प्रति जरा भी सिंपैथी है, यहाँ के युवाओं के प्रति जरा भी अगर सिंपैथी है आपको, तो निश्चित तौर पर आप हमारे मुख्यमंत्री जी के साथ आइए, उनको साथ दीजिए। और रही बात रामनवमी की, तो रामनवमी में कोई विवाद नहीं है। विवाद ये लोग कराता है, अभी हमारे साथी जो चले गए मनीष जायसवाल, इनके पिताजी कांग्रेसी थे, पहले पूरा सेकुलर परिवार था, जब से भाजपा में गए तब से लड़ने का काम ये लोग कर रहे हैं। हजारीबाग की घटना किसको नहीं पता है, कोई ऐसा रामनवमी नहीं है जब इन लोगों ने दंगा नहीं करवाया। वहाँ अल्पसंख्यक, वहाँ हिंदू भाई, सब लोग मिलजुल के रामनवमी निकालते हैं, लेकिन ये लोग नहीं चाहते हैं। और आज जब रघुवर दास की सरकार थी, यही मनीष जायसवाल ने रूट को बदल दिया और दंगा करवाने का काम किया। आज कौन मरा? इनके परिवार के बच्चे नहीं मरे, हमारे अल्पसंख्यक बच्चे मरे, हमारे हिंदू भाई के बच्चे मरे। और आज बात करते हैं, अगर हम लोग, हमारी सरकार चाह रही कि नहीं हम लोग एक सौहार्दपूर्वक वातावरण में हम रामनवमी भी मनाएं, मोहर्रम भी मनाएं, तो इनको खुजली हो रहा है। और रही बात की लाउड स्पीकर की, तो निश्चित तौर पर ये सरकार ने नहीं, ये सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाया है। इनको जानकारी होनी चाहिए, इनको जानकारी का अभाव है। और बेवजह सरकार पर जो हमारे युवाओं के प्रति गलत मैसेज दे रहे हैं, सदन में भी बोल रहे हैं और बाहर भी बोल रहे हैं, तो मैं आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ, कोर्ट से बाहर किसी को नहीं जाना चाहिए। कोर्ट का आदेश का पालन हमारी सरकार करेगी। और रामनवमी भी हम चाहते हैं, मैं तो मनीष जायसवाल को चुनौती देता हूँ, आप आइए मेरे जामताड़ा में, देखिए इरफान अंसारी कितना हनुमान मंदिर बनाया है, रामनवमी किस तरह से हम स्वागत करते हैं, जितनी बारात को हम किस तरह से स्वागत करते हैं। आपको भी ये परंपरा अपनानी चाहिए, आपको भी हमको हजारीबाग में बुलाना चाहिए, ताकि राजनीतिक अलग मुद्दा है, धर्म जो है सभी धर्मों का सम्मान करना चाहिए। और इरफान अंसारी को बुलाइए, क्या दिक्कत है आपको? नहीं देखिए, अब मैं तो इतना जरूर कहूँगा कि देखिए डीजे बिंग डॉक्टर, आप बताइए, अगर एक सेकेंड डीजे नहीं 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 मैं अम्बा कांग्रेस की विधायक हूँ, डीजे अगर आपके घर के पास जाता है तब बताइए, अगर कोई एजेड व्यक्ति है उसकी आसपास क्रॉस करेगा तो बताइए वो व्यक्ति बचेगा? हार्ट बीट नहीं रुक जाएगा? इस तरह के वॉल्यूम से हम बचाते हैं, तो कहीं ना कहीं मैं मेडिकेटेड में बता रहा हूँ कि जब सुप्रीम कोर्ट ने सोच के ही रोक लगाया, तो इसलिए रोक लगाना किसी किस भावनाओं से खेलना नहीं है हमारी सरकार का मतलब। हम लोग रामनवमी मनाएंगे, हमारे मुख्यमंत्री जी मनाएंगे, हम लोग मनाएंगे, मैं भी कहूँगा आइए। जरूरी थोड़ी है कि हम डीजे में ही रामनवमी बनाएं, श्रद्धा है, प्यार से ही बना सकते हैं। लेकिन जो यात्रा निकलती है और जो झांकियां निकलती है वो तो प्रभावित हो सकती है? कोई प्रभावित नहीं होगा, ना यात्रा प्रभावित होगा, ना आपका रैली प्रभावित होगा। विधायक जी, हजारीबाग के शहरी इलाके में बैन किया गया है और ग्रामीण इलाकों में डीजे पर कोई नोटिस नहीं? नहीं देखिए, आप हमारे यहाँ भी डीजे जामताड़ा में आसपास दुमका जिला में भी डीजे पर रोक है, तो केवल हजारीबाग में नहीं है, ठीक है। और जब ठीक है 6 बजे तक आप बजाइए, कौन मना किया है, लेकिन बजाने से किसी को खतरा ना हो, बजाने से किसी को आपत्ति ना हो,
तो चलना चाहिए। और ये छोटी छोटी बातें हैं, इस पर नहीं पढ़ना चाहिए। अभी वजह ये लोग तूल दे रहा है भाजपा के लोग। मैं कहूँगा विकास के मुद्दे पर आइए ना, जो जिस युवाओं को आप अभी भड़का रहे हैं हजारीबाग में, अभी से तूल देना शुरू कर दिया लोग। www.thefollowup.in